Shwant, we are providing St. Angel online classes and we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 9 coordination compound, and in this video I will discuss tetrahedral crystal field theory. इससे पहले के वीडियो में हमने ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमने पढ़ा था और आज हम टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब आप देखो टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है। सेम कंसेप्ट रहता है आपका यहाँ पर कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में यदि हम देखें टेट्राहेड्रल को, तो टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर क्या होगा, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन लेना पड़ेगा। तो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल के लिए लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 4, मीन्स ML4 होना चाहिए। यदि कोई कंपाउंड इस तरह का दिखा रहा है, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है सेंट्रल एटम का और वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यदि दे रहा है, तो फिर क्या होगा, वो आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी दिखाएगा टेट्राहेड्रल। तो ये आपका लिगेंड्स है ML4। अब यहाँ पर आप देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये 4 लिगेंड्स इस तरह से जुड़ा होता है टेट्राहेड्रली, तो आप ये जानते हो कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। तो इसमें कोई भी लिगेंड जो होता है वो इक्विटोरियल पोजीशन, सॉरी, कोई भी लिगेंड्स एक्जियल पोजीशन पर नहीं होता है, सब जो है क्या होता है, इन बिटवीन एक्सिस हो जाता है, मीन्स कोई भी इक्विटोरियल पोजीशन पर यहाँ लिगेंड नहीं है, क्योंकि बॉन्ड एंगल 109.5 है इसलिए एक्जियल पोजीशन पर नहीं है। अब आप देखो यदि हम डी ऑर्बिटल की बात करें, डी ऑर्बिटल में आप जानते हो कि डी ऑर्बिटल का क्या है, 5 सबसेल है। कौन कौन सा डी, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब आप देखो ये हो गया आपका क्या, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये आपका है। तो इसमें हम क्या पाते हैं कि ये जो आपका जब ग्राउंड स्टेट में होता है, तो ग्राउंड स्टेट में इसकी जो एनर्जी लेवल होती है, एनर्जी लेवल जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या है, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई जेड इक्वल टू डी एक्स जेड इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड स्क्वायर, मीन्स सबका एनर्जी लेवल जो ये 5 डी सब सेल है, इसका एनर्जी लेवल क्या है, सिमिलर है, सिमिलर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल जो होता है उसकी जो एनर्जी होती है 5 सब सेल का, वो इक्वल होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल होता है। अब क्या होगा कि इसको लिगेंड्स के साथ कंपाउंड बनाने के लिए पहले ट्रांजिशन मेटल को, मीन्स जो सेंट्रल एटम है उसको क्या होना पड़ेगा, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, मीन्स लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, तो अपनी एनर्जी लेवल को मीन्स एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाता है तो इसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 अपनी एनर्जी लेवल इसका बढ़ गया, और जब एनर्जी लेवल बढ़ा तो इससे क्या हो गया, यहाँ पर जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा तो इसकी डिजेनरेसी ब्रेक हो जाएगी, जो हमने ऑक्टाहेड्रल में भी पढ़ा था कि जैसे ही यहाँ क्या होगा कि आपका लिगेंड्स अप्रोच करेगा तो इसका डिजेनरेसी जो है ब्रेक होगा। अब डिजेनरेसी जो ब्रेक होगा, मीन्स डी ऑर्बिटल जो इक्वल एनर्जी लेवल में था वो अब क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, कुछ एनर्जी को, कुछ ऑर्बिटल हाई एनर्जी लेवल में और कुछ ऑर्बिटल लो एनर्जी लेवल में। तो यहाँ जो हाई एनर्जी, जो लो एनर्जी लेवल होता है इसको हम ई कहते हैं, और जो हाई एनर्जी में जाता है इसको क्या कहते हैं, T2 कहते हैं, जी नहीं लगाते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, और सिमेट्री के लिए हम क्या लगाते हैं, जी लगाते हैं, जीरंड यूज करते हैं। तो टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल नहीं है, कोई भी सिमेट्री इसमें नहीं है, यही कारण है कि जी को हम रिमूव कर देते हैं, सॉरी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ई से, नॉट ई जी।
मीन्स इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से, क्योंकि जी नहीं यूज करेंगे। जी जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, सिमेट्री के लिए। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए इसको सिंपली ई और टी टू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेट्राहेड्रल के केस में लो एनर्जी लेवल को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और हाई एनर्जी लेवल को किससे किया जाता है, टी टू। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सा ऑर्बिटल हाई एनर्जी लेवल में जाएगा और कौन सा ऑर्बिटल लो एनर्जी लेवल में आएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो हमने आपको बताया था कि जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ये जो तीनों ऑर्बिटल सबसेल है डी का, ये क्या होता है, इन बिटवीन एक्सिस होता है। इन बिटवीन एक्सिस ये आपका इस तरह से होता है, यदि आप इसका देखोगे तो ज्योमेट्री ये निकल के आएगा। जैसे मान लो एक्स वाई, तो जो डी एक्स वाई है उस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रोटेट कर रहा है, जिसको हम क्या करें डी एक्स वाई। तो ऑन एक्सिस पर नहीं है, इस एक्सिस के ऊपर नहीं है, और क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इन बिटवीन एक्सिस। टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, लिगेंड जो अप्रोच करता है वो भी इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करता है, एक्सिस के ऊपर अप्रोच नहीं करता है। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर इन बिटवीन एक्सिस रोटेट कर रहा है, और लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन जो लेके आ रहा है वो इन बिटवीन एक्सिस है। तो रिपल्सन क्या होगा, जो इन बिटवीन एक्सिस है उस ऑर्बिटल में रिपल्सन ग्रेटर होगा। मीन्स ये तीनों ऑर्बिटल जो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड में रिपल्सन ग्रेटर मिलेगा। तो रिपल्सन ग्रेटर मिलने के चलते ये तीनों ऑर्बिटल कौन कहाँ पर चला जाएगा, हाई एनर्जी लेवल में, मीन्स टी टू में चला जाएगा। कौन कौन सा इसमें जाएगा, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ये तीनों हाई एनर्जी लेवल में। और दो ऑर्बिटल जो क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इसका ओरिएंटेशन क्या होता है, एक्स एंड वाई यदि आप लेते हो तो इस तरह का ओरिएंटेशन ये देता है। तो ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड का ये ओरिएंटेशन होता है, एक्स जेड में ये ओरिएंटेशन आपको ये देगा, इसको कहते हैं डी जेड स्क्वायर। तो ये दोनों ऑर्बिटल जो है क्या है आपका, एक्जियल है, तो लिगेंड्स इस पर एक्जियल पर अप्रोच ही नहीं करता है। तो जब अप्रोच नहीं करेगा तो इसमें रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम होगा, और मिनिमम रिपल्सन होने के चलते ये लेस एनर्जी को फुलफिल करता है, ये अपना एनर्जी लेवल जो है लेस रखता है, मतलब इसमें लेस एनर्जी में चला जाता है। तो ये कहाँ चला जाएगा, लो एनर्जी लेवल। तो दो ऑर्बिटल, टू ऑर्बिटल कहाँ चला गया, लो एनर्जी लेवल, जिसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, ई से। और तीन ऑर्बिटल कहाँ चला गया, हाई एनर्जी लेवल में, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी टू से, ये एनर्जी लेवल। अब क्या होगा, इस ऑर्बिटल कौन कौन सा आ गया इसमें, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आ गया, ये आ गया। तो इस तरह से जो डी ऑर्बिटल था जिसकी एनर्जी लेवल क्या था, कॉन्स्टेंट था, वो स्प्लिट कर गया, किस में स्प्लिट किया, तो टी टू एंड ई में। अब आप ये भी जानते हो कि जो एवरेज एनर्जी होता है उसको हम बेरी सेंटर कहते हैं, बेरी सेंटर कहते हैं। अब क्या होता है, टी टू जो है वो यहाँ से बेरी सेंटर से इतना एनर्जी लेके ऊपर चला गया, और ई क्या हो गया, इतना एनर्जी अपना ये डिक्रीज कर दिया। तो कितना डिक्रीज किया, यदि हम देखें तो ये दोनों जितना एनर्जी को लूज किया होगा, तीनों को उतना एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर मिला होगा। तो कितना एक्स्ट्रा मिला होगा, तो ये दोनों लूज जितना किया होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5 डेल्टा टी। डेल्टा मीन्स चेंज इन एनर्जी, टी मतलब टेट्राहेड्रल एनर्जी, और 2/5 मीन्स ये जो तीनों ऑर्बिटल्स है वो एनर्जी को गेन किया है। और ये कितना एनर्जी को लूज किया होगा, तो ये तीनों जितना एक्स्ट्रा एनर्जी को गेन किया होगा बेरी सेंटर से, तो ये कितना आ जाएगा, 3/5 डेल्टा टी एनर्जी। तो जो स्प्लिटिंग हुआ यहाँ पर, जो आप स्प्लिटिंग देख रहे हो किसके बीच में, टी टू एंड ई में, ई और टी टू में जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, डी डी ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, डी डी ट्रांजिशन, इसको क्या कहते हैं, डी डी ट्रांजिशन कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डी डी ट्रांजिशन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, इसको क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। और जिस डी डी ट्रांजिशन के चलते क्या होता है, कलर इम्पार्ट करता है, ये जो कंपाउंड होता है वो कलर इम्पार्ट करता है ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन।
तो ये था डीडी ट्रांजिशन जो आपने वहाँ भी पढ़ा था। अब नेक्स्ट आप देखो, जो एनर्जी होता है टेट्राहेड्रल में, जो स्प्लिटिंग में जो एनर्जी रिलीज होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल। तो दोनों का देखो रिलेशन क्या है, रिलेशन यदि आप देखोगे तो ये मिलेगा एनर्जी डिफरेंस कि डेल्टा टी इक्वल टू जो होता है ये होता है 4/9 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ ये एनर्जी क्या है, रिलेशन है किसके बीच में, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी एंड सॉरी टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी एंड ऑक्टाहेड्रल एनर्जी के बीच में, मीन्स टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल एनर्जी में। तो टेट्रा डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, मीन्स टेट्राहेड्रल का जो एनर्जी है वो लेस है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल में लेस एनर्जी रिलीज होता है और ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो फिर सिर्फ आपको ये डिफरेंस रखना है कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के केस में, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल के केस में सिर्फ ये हो रहा था कि ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने लो एनर्जी को क्या रखा था T2G और इसको EG कहा था, यहाँ से हम G हटा देंगे और क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा इसका, तो ऑक्टाहेड्रल का जस्ट अपोजिट होता। थैंक यू।